नमस्कार दोस्तों, मेरे इजीए चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने YouTube अर्निंग को अपने अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं, मीन्स क्रेडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपली शुरू से लेकर एंड तक का यही प्रोसेस समझाऊँगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए इसमें क्या है, ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है। इसमें आप देख सकते हैं $107.89 $100 मीन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जगह पर आने के लिए, मतलब गूगल एडसेंस के इस अकाउंट में आने के लिए आपको कहाँ से आना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, गूगल एडसेंस ऐसे सर्च कीजिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, गूगल एडसेंस मैंने सर्च किया। उसके बाद ये गूगल एडसेंस लॉगिन वाला पेज है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस के लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। और नॉर्मल यहाँ पे आपको जीमेल का एड्रेस डालना है और आप ऐसे लॉगिन हो जाएंगे, जैसे ये मेरी डिटेल शो हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल मेरी शो हो रही है। अब ये जो पेमेंट है इसे हमें अपने अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो इसे क्रेडिट करने के लिए अगर आपने पहले से अकाउंट ऐड कर रखा होगा तो कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ पेमेंट पे जा कर के अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने ऐड कर रखा है। देखिए मैंने ऐड कर रखा है, इस वजह से ये मेरा नीचे नाम आ रहा है, सुरेश प्रसाद वायर ट्रांसफ़र ये दिख रहा है। देख सकते हैं आप कि ये पैसे जब ही अकाउंट में आप भेज सकते हैं जब ये 100% कंप्लीट हो जाता है थ्रेशोल्ड, और इसका थ्रेशोल्ड $100 का होता है। तो मान लीजिए आप एक मंथ में $70 होते हैं, नेक्स्ट मंथ में आपके $10 हो रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा उस मंथ में। तो अभी मैं बता देता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स पे किया है, मैंने यहाँ पे अकाउंट मेरा यहाँ पे एडेड है, इसलिए यहाँ शो हो रहा है। आपका नहीं होगा तो आपको सिर्फ ये ऐड पेमेंट मेथड ही शो होगा। तो आपको इसको मतलब नया ऐड करने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आपको अगर न्यू है तो आपको तो ऐसे शो होगा ये ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या क्या ऐड कर देंगे, सिंपल चीज़ें हैं ये। देखिए पहली चीज़ तो ऑप्शनल, इसे छोड़ दीजिए, आप किसी काम की नहीं है। यहाँ पे अपना नाम लिखिए जो अकाउंट में आपको पैसे भिजवाने हैं, उसमें फुल नेम लिखिएगा। उसके बाद कौन सा बैंक है उसका नाम यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा कि आपको यहाँ पे IFSC कोड भरना है। तो IFSC कोड आपका जो पासबुक होती है उस पर दिया रहता है, वहाँ से आप IFSC कोड भर दीजिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको अपने ब्रांच का IFSC कोड मिल जाएगा। उसके बाद ये स्विफ्ट BIC कोड होता है, इस पर लोग YouTube वीडियो बहुत बनाते हैं क्या करना है कैसे करना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसे YouTube गूगल पे सर्च कीजिएगा और वहाँ से सीधा स्विफ्ट BIC कोड अपने ब्रांच की गूगल पे लिखिएगा कि जैसे मुझे पंजाब नेशनल बैंक का इस सेक्टर का स्विफ्ट BIC कोड चाहिए, वो गूगल पे मिल जाएगा। वो यहाँ डाल दीजिए, अकाउंट नंबर दो बार यहाँ टाइप कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका। और ये नीचे भरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे छोड़ दीजिए, ये मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी। और इसे सेव कर दीजिएगा। आप इसे जैसे ही सेव कर देंगे तो जैसे मैंने तो ये पहले ही भर के सेव किया हुआ था, तो जो मैंने सेव किया था तो इस तरीके से ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये जो वायर ट्रांसफ़र टू बैंक दिख रहा है ना, ये मैंने एक बार ऐसे सेव किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। आप सेव कर देंगे तो यहाँ शो हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये पेमेंट जो है जब भी आपकी पूरी आती है, जब आपकी $100 कंप्लीट हो जाती है, तो $100 अब मेरी कंप्लीट हो गई है। हर मंथ की 21st को अगर आपका $100 कंप्लीट है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मेरा अगर ये आता है तो मैं आपको आगे इसी चैनल पे आपको आगे बताऊंगा कि कितनी तारीख को कितने घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली आ गया है। और जो फाइनल जो काम होता है यही होता है कि आप अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर दीजिए और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हर महीने की 21 तारीख को अगर आपका थ्रेशोल्ड $100 कंप्लीट हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेंड कर देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। माय नेम इज सुरेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।